पाकिस्तान से लौटे स्थानीय दहशतगर्दों की मदद से हमले कर रहे हैं विदेशी आतंकी। तरीका भी एक। पुलिस सूत्रों के अनुसार कठुआ से किश्तवाड़ तक सक्रिय पाकिस्तानी आतंकियों ने अपने साथ कुछ एक स्थानीय आतंकवादियों को रखा हुआ है। आतंकियों के घात लगाकर हमला करने के पीछे एक बड़ी रणनीति काम कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कठुआ से किश्तवाड़ तक सक्रिय पाकिस्तानी आतंकियों ने अपने साथ कुछ एक स्थानीय आतंकवादियों को साथ रखा हुआ है। ये आतंकी लंबे समय के बाद पाकिस्तान में रहकर वापस लौटे हैं, जिन्हें सीमा पार से घुसपैठ करने से लेकर किश्तवाड़ रामबन तक पहुंचने के पुराने रूट की सटीक जानकारी है। इन आतंकियों को पता है कि पुराने रूट पर कहां कहां रिहायशी इलाके हैं, कहां छिपने की जगह है। ये भी पता है कि 12,000 किलोमीटर वर्ग जंगल में कहां कहां सेना की मौजूदगी नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर हमला कर रहे हैं। कठुआ से किश्तवाड़ के जंगल तक 16 आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी खुफिया एजेंसी के पास है। ये 16 आतंकी 6 से 10 की संख्या में दो ग्रुप में बटे हुए हैं। हर एक ग्रुप के साथ एक से दो ऐसे आतंकी हैं जो कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। सैन्य सूत्रों का कहना है कि इन आतंकियों ने अपने साथ ऐसे गाइड जोड़े हैं जो दिन में रेकी करते हैं। सैन्य वाहनों, पर्यटकों और धर्म स्थलों पर आने जाने वाले वाहनों की जानकारी जुटाते हैं। आम लोगों के बीच रहकर उनकी दिनचर्या की जानकारी लेते हैं, फिर आतंकियों से इसे साझा कर देते हैं। इसी के हिसाब से आतंकी घात लगाते हैं। हमला करने का समय दोपहर 3 से शाम 6 बजे के बीच चुनते हैं, ताकि गाइड इन्हें चुनी जगह पर समय से पहुंचाएं। हमला करने के बाद समय पर भागने में सफल हो जाएं। ये सब दिन के समय होता है, ताकि हमले के बाद पकड़े न जाएं, रात होने से पहले अपने ठिकाने तक पहुंच जाएं। सूत्रों का कहना है कि घात लगाकर हमला करने के लिए आतंकी 7 से 8 घंटे की विंडो एक्टिवेट करते हैं। इस विंडो का मतलब होता है कि किसी एक क्षेत्र में 7 से 8 घंटे तक बैठे रहना। पता होता है कि उस जगह पर कोई नहीं आएगा,